So now we will go into another beautiful example of codominance. Actually, we studied codominance in whom? in a bio blood group system, but today we will discuss a beautiful example of codominance in rabbits. Okay, so in rabbits, we will try to see a beautiful concept of codominance here. So this is the different types. I am saving the screen for you.

तो सी इज द म्यूटेंट allele है कि नहीं सी इज म्यूटेंट एंड or इट इज the टाइप ऑफ रिसेसिव आप कह सकते हो एंड सीसी कंडीशन में वो क्या होता है वो albino कलर का होता है बट उसके बाद ये आप देख रहे हो सो दिस इज सी एच ये हिमालयन है

कोट कलर इन हेयर या आप रैबिट्स लिख सकते हो कॉमन मैन के लिए फर्क नहीं है जूलॉजी टीचर के लिए फर्क है ना इसीलिए स्ट्रेंथ ऑफ एलि क्या है जो स्ट्रेंथ ऑफ एलीस ये आपको पता होना चाहिए नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ एल्स इज सी प्लस इज ग्रेटर देन सी सी एच इज ग्रेटर देन सी एच ठीक है जी तो एंड इफ यू सी ऑल आर रिसेसिवली रिटर्न इसका मतलब all are recessive. है कि नहीं ये सारे रिसेसिव ट्रेट्स हैं बट डॉमिनेंट जो वाइल्ड कौन है दिस इज द ऑर्डर ऑफ वाइल्डनेस दिस इज द ऑर्डर ऑफ वाइल्डनेस तो डोमिनेट इसका रिपोर्टेड है नहीं पता नहीं क्यों अदर आई डोंट नो अंडरस्टैंड इसीलिए अगर सी प्लस है तो कोई मर्जी आ जाए वो ब्राउन होगा अंडरस्टैंड तो क्यों सी प्लस इज द वाइल्डेस्ट अगर सी प्लस नहीं है तो सी सी एच आ जाए तो वो आएगा क्या दैट इज योर चिंचिला ओके तो यह आपका चिंचिला कलर होगा अगर एक सी एच है तो ये लाइट चिंचिला है ओके okay? बट अगर आपका जो दोनों होंगे सी सी एच सी सी एच तो दिस इज डार्क चिंचिला होगा ओके okay? लाइट चिंचिला थ ब्लैक टिप्स ओके ब्लैक टिप्स होगा मैंने थोड़ा थोड़ा उसका जो कैरेक्टर आने लगेगा आपका हिमालयन का भी तो इसलिए यूल गेट बोथ दाइप ऑफ एक्सप्रेशन तो लाइट चिंचिला विथ दिस ब्लैक टिप्स उसी तरह अगर सी एच सी होगा तो वो हिमालयन होगा अंडरस्टूड तो इसीलिए अगर हम लोग जीन्स का स्ट्रेंथ देखें सी प्लस सी प्लस सबसे डोमिनेटिंग है उसके बाद C प्लस सी प्लस सी प्लस वो पूरा वाइल्ड टाइप है कलर्ड हेयर द एंटायर बॉडी तो अगेन C प्लस इसको हम लोग इक्वल टू दे सकते हैं मैंने फिनोटिपिकली तो फिनोटिपिकली तो हम लोग C प्लस सी प्लस इज इक्वल टू सी प्लस सी कह सकते हैं ग्रेटर दे प्लस सी एच तो सी प्लस सी एच क्या होगा वो भी आपका चिंचिला उसके बाद क्या आ जाएगा ग्रेटर देन सी सी एच सी सी एच तो ये वाइल्ड हाँ बोलो सर तो वाइल्ड वन है सर फर्स्ट वाला वाइल्ड वन है सी प्लस सी प्लस हाँ तो वाइल्ड तो उसका सॉरी 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 आई एम सॉरी 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 उसका कलर तुम बोल रहे हो ना सॉरी सॉरी इसका hmm. कलर होगा एक्चुअली ब्राउन मैं ब्राउन लिख के चेक करो वाइल्ड ब्राउन दैट इज ब्राउन कलर एक्चुअली वाइल्ड कलर या एक्चुअली दिस इज ब्राउन ठीक है ये सब ब्राउन होंगे बट उसके बाद आएगा सी सी एच सीसी एच यह पूरा चिंचिला उसके बाद आएगा सी सी एच सी एच यह लाइट चिंचिला वे ब्लैक टिप्स ओके okay, फिंगर में ओके okay, उसके बाद आएगा सी एच सी एच जो कि हिमालयन है ओके okay, ये हिमालयन ट्रेट है एंड अल्टीमेटली आएगा क्या सी एच सी सो दैट इज ऑल्सो हिमालयन सो ये भी आपका हिमालयन हो जाएगा एंड लास्टली सी सी ओके विच इज द व्हाट विच इज द टाइप अंडरस्टूड तो ये आपका सारा का सारा एक्सप्रेशन है विथ रेस्पेक्ट टू दिस कंसेप्ट तो अगेन सिंस वन जीन हैज मोर एक्सप्रेशन इसको हम लोग क्या कहते हैं मोर अलील्स उसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल एलीलिज्म तो उसी को दिस आई विल सेंड यू द स्क्रीनशॉट बट विल राइट समथिंग अबाउट दैट सो विल गो टू आवर बोर्ड तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे ना तो हेयर वट विइट हेयर विल राइट मल्टीपल एलेज इन क्या रेबिट्स और हेयर आप लिख सकते हो इन रेबिट्स और हेयर तो ब्रैकेट uh, में कोट कलर ओके उसका स्किन कलर या कोट कलर तो उसमें The skin color gene is represented okay the coat color gene is represented by how many alleles by sure. sure. nor wild chinchilla. Sure. हाँ दाइल्ड इंचला हिमालयन एंड म्यूटेंट है म्यूटेंट बोला जाता है स्किन कलर जीन इज रिप्रेजेंटेड बाई फोर अलील्स ओके ना ऑल ऑल आर रिसे प्लीज रिमेम्बर है डोमेंट रिसेसिव एंड वाइल्ड म्यूटेटी इसमें डोमिनेंट जीन कौन सा है हमें अभी तक पता नहीं बट हमारे पास जो है वो सारे रिसेसिव है ऑल आर रिसेसिव बस ये ध्यान इसलिए हम सब में स्मॉल लेटर यूज करते हैं तो सी प्लस जो है वो वाइल्ड टाइप कोड फॉर ब्राउन कलर ओके कॉमा उसके बाद सी टू दावर सी एच प्लीज रिमेम्बर आशुतोष एक्चुअली हम लोग टू दावर इसमें नहीं लिख सकते हैं तो चलो मैं उसको अलग से मैनुअली लिख दूंगा सी सी एच कोड फॉर चिंचला रेबिट्स ओके नाउ उसके बाद उसी तरह से सी हिमालयन एच कोड फॉर हिमालयन कलर एंड स्मॉल सी और द म्यूटेंट ओके द म्यूटेंट कोड्स फॉर एंड एलबिनो फिनो टाइप एल्बिनो का मतलब वो कलरलेस होता है ओके एलबिनो फिनोटाइप ओके एलबिनो फिनोटाइप तो इसलिए हम लोग यहाँ थोड़ा उसको लिख लेंगे मैनुअली सो दिस इज जो चिंचिला को हम लिखते हैं ऊपर सी सी एच कहा गया दिस इज सी सी एच एंड दिस इज सी एच हिमालयन ओके एंड ये है simple C. And ये जो है वाइल्ड टाइप ठीक है जी तो ये हमारा उसका जो कंसेप्ट है चलिए तो अब उसका जो स्ट्रेंथ ऑफ अलील्स क्या है जनरली

Okay, तो ये उसका जो स्ट्रेंथ ऑफ अलील्स है तो इसीलिए हम इसको दोबारा लिख भी देंगे तो दिस इज सी सी एच सी एच एंड दिस इज सी प्लस नाव तो यह स्ट्रेंथ ऑफ अलील्स है बट स्ट्रेंथ ऑफ फिनोटाइप तो अभी हम लोग वहां ऑलरेडी लिख चुके हैं इसको दोबारा लिख लेंगे तो C प्लस सी प्लस सी प्लस सी सी एच सी प्लस सी एच एंड सी प्लस सी ये सारे क्या हो जाएंगे uh, फिर वही लिख रहा दीज आर ऑल वाइल्ड या ब्राउन दी आर ऑल वाइल्ड और ब्राउन ठीक है दिस इज द केस वन ना इन सेकेंड केस अभी एक्चुअली जो चिंचिला है अगर वो सी सी एच सी सी एच एक्सप्रेस करे तो दिस इज चिंचिला ये ओरिजिनल चिंचिला कलर है बट सी सी एच अगर वो सी एच के साथ आ जाए उसमें चिंचिला के भी गुण होंगे प्लस आपका ब्लैक Himalayan. टिप्स ब्लैक टिप्स होगा जो कि हिमालयन का फीचर है हिमालयन फीचर तो इसको हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी बोल सकते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस वी कैन से मे बी क्योंकि ये भी एक्सप्रेस कर रहा है थोड़ा सा पूरा नहीं कर रहा So, इसलिए इसका मेन कलर चिंचलाई है पर टिप्स हिमालयन है ओके okay, फिर भी मैं इसका एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा इसको ये लोग क्या कह रहे हैं उसी तरह से अगर सी एच सी एच है तो वो हिमालयन है हिमालयन फीचर है सी एच सी है तो भी ये हिमालयन है एंड सी एच ए सॉरी अगर हम सी सी ले लें तो ये म्यूटेंट होता है एंड दिस इज एल्बिनो ये ऑलरेडी आया हुआ ऑलरेडी नीट पे ऑलरेडी इन नीट ये आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा इसको इंपॉर्टेंस देंगे सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द

ओवर डोमिनेंस इज नॉट ए जेनेटिकल फिनोमिना एक्चुअली ओवर डोमिनेंस का मतलब है नेचर किसको को सिलेक्ट कर रहा है तो इसलिए इसमें हम जेनेटिक्स में उसको आई डोंट टीच बुक्स में लिखा होता है बट मैं उसको जेनेटिक्स में नहीं पढ़ा सकता क्योंकि जेनेटिक्स में वो डोमिनेंट नहीं है ओवर डोमिनेंस का मतलब क्या है कि अगर जो हाइब्रिड है वो कमर्शियली बेटर हो तो समझ रहे हो कि नहीं जैसे आपका किन्नू किन्नू आप खाए हो किन्नू इट इज अ टाइप ऑफ ऑरेंज इट इज वेरी वेरी स्वीट एंड वेरी लेस सीड्स वी हैव क्रॉस टू प्लांट किन्नू तो इट इज स्वीटर देन बोथ पेरेंट्स बट ऑरेंज इज ऑरेंज एंड किन्नू इज किन्नू है कि नहीं किंतु कमर्शियली किन्नू ज्यादा चलता है सिमिलरली जो आपका जो है इफ द हेट्रोजाइगस फॉर्म इज मोर प्रीफर्ड इन नेचर सो दट इज कॉल्ड यस दैट इज कॉल्ड योर ओवर डॉमिनेंस तो इसलिए उसमें जेनेटिक्स का रोल नहीं है दैट इज ने सिलेक्शन अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान ना सपोज आपको टांगा चलाना है तो यूनिट हॉर्स है कि नहीं बट हॉर्स महंगा होता है वेरी वेरी कॉस्टली बीस तीस लाख का हॉर्स होगा तो इसलिए बीस तीस लाख लगाने वाला थोड़ी है तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं वो हिनी ले लेते हैं तो टांगे में जो घोड़ा यूज होता है वो हिनी है इट इज नॉट योर म्यूल बहुत लोग उसको म्यूल सोचते हैं टेक्निकली वो हिनी होता है जो शॉर्टर वराइटी होगा ना वो हिनी है जो टॉलर है सबसे टॉल होता है हॉर्स फिर होता है म्यूल फिर होता है हिनी फिर होता है गधा डोंकी

वो टॉलर ऑफ टू होता है एंड इट इज मैंने फास्ट लाइक हॉर्स एंड वजन ढोएगा लाइक गधा हॉर्स क्या है इट इज फास्ट बट वो वजन नहीं ढोएगा ओके इट इज वेरी एक्सपेंसिव बहुत मेंस नहीं उसी तरह से जो गधा है वो बहुत काम करेगा सब कुछ करेगा बट फास्ट नहीं है स्लो है ग्राउंड क्लियरेंस कम है म्यूल लोग कौन यूज करता है जो आर्मी वाले में। पहाड़ों में जो लेकर जाने के लिए जो आर्मी का इक्विपमेंट्स अभी चाइना वार है तो पहले हम लोग म्यूल्स यूज करते थे रास्ता नहीं था ना हाउ यूल टेक द गन्स एंड ऑल टू माउंटेन वी यूज म्यूल्स तो इसलिए म्यूल्स थोड़ा ऊंचा होना चाहिए पर घोड़ा बहुत महंगा पड़ जाता है इसलिए उन लोगों ने म्यूल्स को सिलेक्ट किया बट दैट डज नॉट मीन दैट इन नेचर म्यूल इज स्ट्रॉगर देन द हॉर्स म्यूल कैनॉट प्रोड्यूस बेबीज सो इसीलिए दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन नॉट जेनेटिक्स तो हम यहाँ जेनेटिक्स क्लास में उसको आई डोंट टीच बुक्स में लिखा होता है चलिए तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन एलेकिन इंटरक्शन ओके नॉन हा बोलो So, do wild and mutant, they are always constant for a particular species. I don't get your question. Please be elaborate. So, like rabbit, raw, so say species, so what a wild driver and albino is a mutant driver. That's it. Uh, that is different with respect to change. nature. Again, the, when natural selection, nature is different. अगर तुम मेरे गांव आओगे तो मेरे फार्म हाउस का जो घास का कलर क्या होगा ग्रीन ग्रीन क्यों आई थिंक अभिषेक नोज कैन यू गेस अभिषेक व्हाट विल बी द ग्रास कलर इन माई हाउस वट इज जेजेज फेवरेट कलर इडियट्स वट इज द कलर ऑफ योर लोगो रेड तो इसीलिए इन जेजेस फार्म ग्रास विल बी रेड beetle डियर will find फाइंड इन garden? गार्डन गार्डन ग्रीन beetle. Red. Red beetle. Yes, beetle, Green. Green Green beetle. क्योंकि उसका ग्रीन हो हाँ. कि नहीं तो इसीलिए अल्लाह जेजे मेहरबान तो ग्रेड बीटल पहलवान उसी तरह ग्रीन अभिषेक मेहरबान तो ग्रीन बिटल पहलवान इसलिए प्लीज अनिशा जिंदगी में दोबारा ऐसा बकवास क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वाइल्ड एंड म्यूटेंट का मतलब ही नेचर होता है अगर नेचर सेम है तो सेम होगा अगर नेचर अलग है तो अलग होगा लाइक चाइना एंड हांगकांग दे मे हैव सेपरेट बाउंड्रीज बट पीपल आर सेम सिमिलर इसीलिए उनका जेनेटिकली वो सिमिलर होंगे इसे ऑल आर मॉन्गलाइड है कि नहीं बट मंगोलिया जो हमारा दिस दिस जो जो ईस्ट पीपल हैं सो दे दे आर इंडियन देस बट दे डोंट लुक लाइक देम दे इजिली लुक लाइक चाइनीज वाई बिकॉज दे आर क्लोज टू चाइना वो दे आर मोंगलाइट है कि नहीं जस्ट लाइक दैट तो इसीलिए जिधर के हो उधर जैसा ही रहोगे सो नेचर विल सिलेक्ट ओके किसी जमाने में कोई ब्राउन होगा कहीं like uh, you विल यू फाइंड योर दिस ब्राउन रैबिट इन द हिमालय why no. because it is snow and snow in snow brown will be easily visible easily killed and eaten up है no. कि नहीं इसीलिए इन द हिमालय इन द स्नो लैडन प्लेसेस द बेस्ट वेराइटी इज योर अल्बिनो और योर हिमालयन वेराइटी जिसके Himalayan. काले काले पैर हैं बस अदरवाइज इट इज टोटली वाइट तो इसीलिए किस जगह है अकॉर्डिंगली आपका ये फर्क आएगा चलिए सो नॉन अर्लिक जीन इंट्रैक्शन तो इसका मतलब क्या है ओके okay, मेंडल तो so मेंडल हमें क्या बोले थे अकॉर्डिंग टू मेंडल ओके नॉन एलेिक जीन्स आर इंडिपेंडेंट ओके आर इंडिपेंडेंट दे डू नॉट ओके दे डू नॉट इंटरफियर इन द

Number one In epistasis, in epistasis, one non allelic gene may mask the expression of another non allelic gene. है कि नहीं तो वन नॉन एलिक जीन में मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर नॉन एलिक जीन है कि नहीं इसका मतलब कोई और सपोज तुम लोग सड़क से जा रहे हो जब आप स्कूल आते हो आप जो एक पतली सी गली से आते हो वहां चार लौंडे बैठ के सीटी पे बजाते रहते हैं एंड दारू पी के भीगे भीगे नजरों से घूरते हैं आपको तो वुड यू लाइक टू गो थ्रू द रोड गर्ल्स नो नो अरे वो no. अपने जगह बैठा है तुम्हें क्या हो रहा है यू आर एन इंडिपेंडेंट एंटिटी हाउ डू दे बदर यू तो तुम उनको बैठा लो तो तुम अपना चलो दिक्कत क्या है डिस्ट्रैक्शन दे विल क्रिएट दे विल डू सिटी दे विल पुल हेयर्स दे मे पुल फ्रॉक्स है कि नहीं तो इसीलिए इट इज बेटर चेंज द वे तो समझ रहे हो तो कोई और किधर बैठा है बट तुम्हारे एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है सो एपी मीन्स अपॉन स्टेसिस मींस स्टैंड उसी तरह सेकेंड है ये हम लोग पढ़ेंगे तो एपिस्टेसिस में एक्चुअली uh, इसमें याद रखेंगे एक्चुअली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एपिस्टेसिस

एक्चुअली एपिस्टेसिस हैं बट अकॉर्डिंग टू मैनी ऑथर्स ओके एनी डेविएशन फ्रॉम द मैंडलियन वी विल हैव अनदर सेशन टूडे ओके सो अगर कट जाए तो भाग नहीं जाना विल हैव अनदर सेशन विल सी टिल ट्वेल्व सो बट अकॉर्डिंग टू मेनी ऑथर्स बिकॉज अच्छा टॉपिक है हम एक बार इंट्रोड्यूस करके अंदर जाएंगे छुट्टी करेंगे रेशियो कैन बी ट्रीटेड एज एस तो इसीलिए मैं बहुत सारा जीन्स इसमें भी पढ़ाऊंगा ओके सो कॉम्प्लीमेंटरी जीन्स, ओके okay, सप्लीमेंटरी जीन्स, सप्लीमेंटरी जीन्स विथ एडिटिव इफेक्ट ओके इसको हम लोग कोलाबोरेटर जीन्स भी बोलते हैं ओके सो जीन्स, जींस विथ एडिटिव इफेक्ट उसके बाद आपका जो है डुप्लीकेट जीन्स एंड डुप्लीकेट जीन्स विथ एडिटिव इफेक्ट ओके जींस ओके okay, तो सप्लीमेंट्री जीन्स सप्लीमेंट्री विथ इफेक्ट डुप्लीकेट जीन्स, डुप्लीकेट जीन्स विद एडिटिव इफेक्ट ऑल आर टाइप्स ऑफ एपिस्टेसिस। प्लीज रिमेम्बर ये मेरे क्लास का रूल है अगर कोई इसको अलग पढ़ाना चाहता है कोई दिक्कत नहीं बिकॉज सी मेनी ऑथर्स ही मे नॉट बी बिलीविंग इन देम है कि नहीं तो इसलिए याद रखिए मेरे यहां हम इनको भी एपिस्टेसिस में ही पढ़ेंगे वो लोग इसको अलग पढ़ा सकते हैं ठीक है जी सेकेंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे आपका जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस तो इसमें क्या है मैनी जीन्स कंट्रीब्यू Equally to produce the phenotype. Okay, so many genes contribute equally to produce the phenotype in such a manner that a very dominant allele or non allele contributes. वन यूनिट टू द एक्सप्रेशन ठीक है तो इसको पॉलिजेनिक यूरिटेंस कहते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज क्वांटीटेटिव इनहेरीटेंस ओके इट इज ऑल्सो नोन एज क्वांटीटेटिव इनहेरिटेंस अंडरस्टूड तो इसको हम इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं तो मेनी जीन्स कंट्रीब्यूट इक्वली तो उसके बाद थर्ड जो है दैट इज द्लियोट्रोपी प्लियोट्रोपी मतलब वन जीन हैज मैनी इफेक्ट ओके सो ये सब जो चीजें हैं ये हम लोग क्या टॉपिक विथ एपिस्टेसिस ठीक है इसके पहले आप पूछ वी आर वेरी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम तो वो बीच में कट जाएगा इसलिए आपको बीच का कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं फॉर द सेक ऑफ आशुतोष वॉइन न्यू लेट मी टेल एक्चुअली इन एनिमल जेनेटिक्स ओके इन एनिमल जेनेटिक्स जेनरली याद रखेंगे ये जे जेस के अलावा कोई नहीं बताएगा आपको ओके okay, तो इन एनिमल जेनेटिक्स जेनरली डॉमिनेंट and recessive terms are not used okay because because what is acceptable to nature is more important Than the what is acceptable to nature is more important than the actual दैन agar aap अगर आप वो Planet of the apes picture देखे हैं जिसमें yes, आपके sir. जो एप्स को उन्होंने जू में डाल दिया था तो उसमें देखो जो स्ट्रोंगर एप था वो बेचारा मार खा रहा था हर दिन गधे की तरह बट जो नॉट स्ट्रोंगर एप है जो एक तो विलियन जैसा है जो एक एक्चुअली एक इंसान के हाथ का कठपुतली है वो इन पे डोमिनेट कर रहा था क्यों क्योंकि दे वर फेवर्ड बाय ह्यूमंस ह्यूमंस एंड ने उसको बंदूक बंदूक दे दिया एंड अगर दूसरा जो स्ट्रॉंगर है मारने से ह्यूमन उसको गोली मार देते थे है कि नहीं इसीलिए मेहरबान तो वीकर है पहलवान सिमिलरली अगर आप देखोगे कि जो इन नेचर देसी कुकड़ा इज मोर और विदेशी कुकड़ा कुकड़ा व्हाई विदेशी कुकड़ा इज मोर बिकॉज वो एक इंच नहीं हिल सकता तो इसीलिए इट इज बीइंग प्रोटेक्टेड तो वो जो केज में उसको रखता है वो इसीलिए उसको केज में रखता है क्योंकि दूसरे उसे ना मार दें ये कहीं भागने वाला नहीं है बट अगर आप देखोगे अगर आप देसी कुकड़ा को खुला कर दोगे फिर आपको कुंफू सीखना पड़ेगा उसको पकड़ने के लिए अंडरस्टैंड तो दैट इज वाई सो इसलिए आप देखोगे मार्केट में जनरली विदेशी कुकड़ा मोर कॉमन होता है देन देसी कुकड़ा बट जंगल वंगल में क्या है वो लोग भी जंगली होते हैं तो वो लोग भी कुंफू उंफू जानते हैं तो वो पकड़ के ले आते हैं एंड वो लोग को उसका जो स्मेल है वो ज्यादा पसंद आता है